नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ सिंदूर के महत्व की कुछ कहानी। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में वैवाहिक स्त्रियां ही मांग में सिंदूर लगाती हैं, जो मांग में बालों के बीचों बीच में एक मांग बनाकर उसमें सिंदूर भरा जाता है। उस सिंदूर का एक वैवाहिक स्त्री के लिए अपने पति की लंबी उम्र और उसकी सुख समृद्धि के लिए माना जाता है। कहते हैं जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वह सिंदूर लगाने से अपने पति की उम्र की कामना अच्छे से करती हैं। कहा जाता है कि माँ पार्वती ने अपने पति यानी कि शिव की सिर का सम्मान खंडित ना हो उसके लिए उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी। और इसी कारण से माना जाता है हिंदू धर्म में कि अगर आप विवाहित स्त्रियां मांग में सिंदूर सजाती हैं तो वह पार्वती का प्रतीक है, उनका आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा और आपके पति की लंबी उम्र ऐसे ही रहे, इसलिए भी हिंदू धर्म में सिंदूर का अलग ही महत्व है। यह सौभाग्य की ओर संकेत करता है। पत्नी अपनी मांग में सिंदूर सजाती है और उस सिंदूर का वह शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि पत्नी अपनी मांग में सिंदूर सजाने के बाद अपने पति को यमलोक से भी खींच लाती है, इसलिए भी माना जाता है कि पत्नी अगर मांग में सिंदूर लगाती है तो वह अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। स्त्रियों का सिंदूर लगाने का महत्व नवरात्रि और संक्रांति पे भी अधिक माना जाता है। कहते हैं इन त्योहारों पर अगर पत्नी अपनी मांग में सिंदूर सजाती है तो उसके पति की उम्र काफ़ी हद तक लंबी हो जाती है और इसका अलग ही महत्व है हिंदू धर्म में। सिंदूर लगाने का एक और महत्व ये भी माना जाता है कि यह पारा धातु से बना हुआ और हल्दी के चून का मिक्स सिंदूर जब तैयार होता है और इसको अगर आप मांग पे सजाते हैं तो इससे आपके होने वाली की आपकी यौन क्षमताओं के सक्रिय हो जाती हैं और स्त्रियों की इच्छाएं भी सक्रिय मानी जाती हैं। कहते हैं सिंदूर इसलिए अविवाहित स्त्रियां नहीं लगा सकती, सिर्फ विवाहित स्त्रियां ही लगाती हैं और हिंदू धर्म में इसका अपना एक विचार भी माना जाता है। तो ये हैं वे कारण कि हिंदू धर्म में सिंदूर का क्या महत्व है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।